उद्योग विभाग की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। मामला छतरपुर का है। तहसीलदार पीयूष वर्मा ने अपने दलबल के साथ पहुंचकर नौगांव रोड पर स्थित उद्योग विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया है। दुकानें तोड़ी गईं और अतिक्रमण हटाया गया। उन लोगों ने जमकर उद्योग विभाग कार्यालय पहुंचकर हंगामा भी किया। महाप्रबंधक आशुतोष गुप्ता पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने और मिश्रा जी की पर 5,000 रुपए महीना रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए हैं। इनका कहना था अभी तक उद्योग विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। उद्योग विभाग द्वारा अधिकारियों ने ये कहा था कि आप यहाँ पर दुकान बना लीजिए और हमारे रहते कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बावजूद भी उनकी दुकानें तोड़ दी गईं। इस तरह के आरोप दुकानदारों ने उद्योग विभाग के अधिकारियों पर लगाए हैं कि आखिरकार अन्य लोग भी इस ज़मीन पर काबिज हैं, उनकी ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई और हमारी ऊपर कार्यवाही क्यों हुई है। एक ये बड़ा सवाल उद्योग विभाग के अधिकारियों के ऊपर लगाया जा रहा है। ये दुकान हमारी नएगांव रोड हीरो एजेंसी के बगल में मेरी दुकान है KGN बार शॉप के नाम से, और मेरी आज दुकान उन लोगों ने उद्योग विभाग वालों ने तोड़ दी है क्योंकि मैं उन्हें 2 लाख रुपए नहीं दे पाया। आशुतोष गुप्ता को मैं 2 लाख रुपए नहीं दे पाया और मिश्रा जी को 5,000 रुपए का महीना देते थे। मैंने 5,000 रुपए का मैं महीना देता था तो मैंने हर एक तारीख को 5,000 का महीना देते थे और वो ये कहते थे जब तक तुम पैसे दोगे हमें जब तक तुम्हारी दुकान नहीं टूटेगी, ठीक है, ना कोई बात होगी। आज से मैंने यानी कि बिना बताए उनने दुकान तोड़ दी मेरी। मैं नमाज पढ़ने गया था मस्जिद तो दुकान बिना बताए उनने तोड़ दी। उसी में सामान वामान सब कुछ भरा था। आज मेरा पूरा यानी कि औजार जितनी लाइटें फाइटें दुनिया भर का जो सामान काम का रहता है वो सब टूट गया। हम तरह का हंगामा हुआ है, क्या कहा है? मैं उद्योग विभाग में आया हूँ मिश्रा जी के पास जो मुझसे 5,000 रुपये महीना लेते थे। आशुतोष गुप्ता उनने हमसे कहा था कि बेटा मैं जब तक हूँ 2 लाख रुपये दो तुम हमें, मैं जब तक हूँ जब तक तुम्हारी दुकान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उनकी हैसियत थी 2 लाख देने की, पहला प्रश्न। दूसरा कि अभी अपने यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑफिस इतना गंदा दिखाई, यदि आप लोग लोकल हो तो आपने देखा होगा ऑफिस कैसा दिखता था पहले, 4 दिन पहले कैसा दिखता था या 2 साल पहले कैसा दिखता था। ऑफिस को साफ करना था। दूसरा, जो दुकान तोड़ी गई, गुमटियाँ तो टेम्परेरी हटी हैं, जो दुकान तोड़ी गई वो अतिक्रमण में थी। उसके पास जमीन के पेपर होते तो दुकान के लिए उद्योग विभाग में कभी जमीन नहीं दी जाती है। उसको मैं 2 साल से समझा रहा था कि तेरा नुकसान हो जाएगा, हटा ले, वहाँ मुझे बनवाना टॉयलेट। उद्योग क्षेत्र में एक भी टॉयलेट नहीं है और यहाँ तहाँ लोग कहीं भी गंदगी करते हैं और महिलाओं के लिए और ज़्यादा परेशानी आती है, उसके लिए जगह खाली कराई गई। सर, यहाँ भी वो लोग आए थे, हंगामा किया है, पुलिस आई थी। वो तो देखो, जिसका नुकसान होगा जो बरसों से कहीं जमा हो, वो पीछे आपने देखा होगा कि अम्मा जी बैठी थी वो तो सड़क पर भी लौट गई थी। अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है। किसी को हमने कहा पर उद्योग विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कौन कौन किए हुए? देखिए, दुकानदारों से महीने लेने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि ना तो वो औद्योगिक क्षेत्र के, वो तो थे बाहर औद्योगिक क्षेत्र में, ना उनके पास कोई लीज डीड है, ना कोई किरायानामा, यहाँ से कुछ भी नहीं है उनके पास पेपर। इतने दिनों से काम कर रहे थे वो लोग, 3-4 साल से लगातार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ खाली करिए, आप उनको वहाँ जाके पूछ सकते हैं। आज पूरे इतने लोग आ गए चूँकि उनको हटाया गया है, और जो हटाने के बाद ही इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। पहले अगर मान लो ये सब चल रहा था तो पहले क्यों नहीं आप लोगों के पास आए वो लोग कहने के लिए? उनको पहले भी आना चाहिए था। जब देखो अन्याय तो अन्याय ही है, अगर अन्याय के साथ हो रहा तो पहले भी कर सकते हैं आपसे वो। अब आज चूँकि अतिक्रमण हटाया गया है, शासन ने हटाया, चूँकि पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ ये गुमटियाँ कुछ भी रखा हुआ है वहाँ बहुत गंदगी फैलती है। अभी हमारे ऑफिस के सामने भी बहुत से डिब्बे रखे हुए थे, उनको भी सबको हटाया, तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता किसी के ऊपर। अपने मुँह से कहना है कह दो, जब मौका साक्ष्य देने का आएगा तो साक्ष्य दिए जाएंगे, वो साक्ष्य दें हम साक्ष्य दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, मुँह कोई भी चला सकता है, हम भी किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, इल्जाम लगाना बहुत सारा है आज की डेट में, ऐसी कोई बात नहीं है। काय को लेंगे कुछ जब बातचीत की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाया जा रहा, क्या है? माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसके संबंध में उद्योग विभाग द्वारा भी कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई थी कि उनकी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके संबंध में हमने नगर पालिका के माध्यम से आज जो भी अनावश्यक अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया था उसको हटवाया गया है, और इस तरह और भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा अनाधिक रूप से उसको अभियान के तौर पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की जाएगी।